बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बरसात के मौसम में सब्जियां खानी चाहिए या नहीं कुछ लोग सब्जियां बिल्कुल ही बंद कर देते हैं बट ऐसा नहीं करना है बिकॉज आपके पास अदर ऑप्शंस में क्या है ओनली दाले दाले कौन सी है राजमा चना व्हाइट एंड ब्लैक उर्द की दाल चने की दाल मूंग मसूर ये सब दाले हैं जो दाले हैं वो आपको प्रोटीन प्यूर देती है जिससे आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है आर ए फैक्टर सीआरपी ये सब डिस्टर्ब हो सकते हैं जिससे आपके ज्वाइंट में इंफ्लामेशन बढ़ जाएगी ज्वाइंट पेन बढ़ जाएगा तो बैलेंस करके चलना जरूरी है है अब इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सी सब्जियां खा सकते हो अब वो सब्जियां खाइए जिनका छिलका मोटा है और जिनका छिलका हम उतार सकते हैं जैसे घिया है पम्पकिन है येलो पम्पकिन आता है ग्रीन आता है टींडा है तो आप वो वाली सब्जियां इंक्लूड कीजिए एंड जिनका छिलका नहीं उतार सकते वो अवॉइड कीजिए जैसे की भिंडी है ब्रिंजल है एंड अरबी तो ये वाली सब्जियां मत इंक्लूड कीजिए इससे आपके इन्फेक्शन बढ़ेंगे ज्वाइंट पेन्स बढ़ेगा तो कुछ इंक्लूड करना है कुछ छोड़ना है हेल्दी रहने के लिए तो ऐसे ही कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड है लस्सी है या इनसे बनने वाली चीजें जैसे कि कड़ी वो मत खाइए जिससे आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी तो ऐसे ही अगर आप और वीडियोस चाहते हो ऐसी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हम आपकी हेल्प करेंगे आपको हेल्दी रखने में हर एक सीजन में थैंक यू हैव नाइस डे